नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और मुंगेर से है। मुंगेर जिले में जमालपुर प्रखंड रामनगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 13 में हरियाणा से आए एक मजदूर से लगभग 7 लोग संक्रमित हो गए। इलाके में 7 संक्रमित मरीज मिलने से जिला प्रशासन ने हड़कंप मच गया। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों को भेजकर संक्रमित परिवार के मकान तथा आसपास के लगभग 20 मकान को चिन्हित कर इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश एवं विकास मार्ग पर बांस बल्ला लगाकर आने जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर 24 घंटे दंडा अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अभी 7 मरीज मिला पॉजिटिव जी। उसके बाद जो पॉजिटिव निकला है उसका सबका अगल बगल का जितना भी था कंटेक्ट लिस्ट सबका जांच करा दिया गया है जी। और आरटीपीसीआर भेजा गया, एंटीजन में निगेटिव मिला, आरटीपीसीआर के लिए भेजा गया। वहाँ से यदि कोई पॉजिटिव निकलते हैं तो फिर हम लोग कंटेक्ट लिस्ट बनाएंगे सबका, अपना उस सबका भी सैंपल लेके जांच करेंगे। प्रथम दृष्टिया जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनका कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हुआ, कैसे वो लोग आए हैं कुछ इसका? नहीं, जो प्रथम मिला है जी वह हरियाणा से आया था जी, वही पॉजिटिव था और घर में रहने के चलते अपने परिवार में 3 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। हाँ। 4 लोग इन्फेक्टेड हो गए जी। और उससे फिर पड़ोसी है, पड़ोसी हाँ। 2 पॉजिटिव हुए, फिर एक पड़ोसी और था शुक्रिया, वो भी पॉजिटिव हो गए। यही हिस्ट्री है और हम लोग अब सर्वे कराएंगे एम आशा के थ्रू, डेली इसका सर्वे कराते रहेंगे क्या स्थिति है इन लोग का। यदि कोई दवा दारू की कमी होगी तो हम लोग उसको पहुंचाएंगे, और यदि कोई सीरियस बात होगी तो हम लोग यहाँ से रेफर करके उसको जीएनएम स्कूल भेजेंगे। अभी इन लोगों को होम आइसोलेशन किया? अभी होम आइसोलेशन किन्हीं की, कोई तरह की कुछ ज्यादा सीरियस नहीं? अभी सीरियस, सब कंट्रोल में। सर का नाम परिचय? डॉक्टर बलराम प्रसाद साहब, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। सबसे पहले है कि जो पॉजिटिव केस आया है उनका हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रहे जी। उनका मैंने किनसे किनसे किसी भी प्रकार का कॉन्टेक्ट रहा है वो सारे का हम लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट बना करके सबका सैंपल हम लोग जांच के लिए भेज दिए हैं। वो जैसे ही जांच रिपोर्ट आता है और उसमें अगर नेगेटिव हो गया तो ठीक है, पॉजिटिव को हुआ फिर उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट हम लोग बनाएंगे जी। और यहाँ पर ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग बनाए हैं जी। इसमें मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति 24/7 होगा जी, है ना। वो उनकी ड्यूटी रहेगी कि यहाँ कोई भी बाहरी आदमी अंदर ना जाए इस जोन में जी, और अंदर के लोग भी बाहर नहीं जाएंगे। और उनका यदि कोई भी मूलभूत आवश्यकता दवा दारू वगैरह, जैसे दवा होता है ना, या अनाज हरी सब्जी या कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो वो बाहर जाके नहीं लाने जाएंगे, बल्कि उनको मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। जी कितने दिनों तक ये रहेगी उनका कंटेन माइक्रो कंटेन? तो अब देखिए, अब ये है कि वो पॉजिटिव जो केस है उसका जब फिर दोबारा जो सैंपलिंग होगा उसमें अगर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर इसको जो कितना दिन या कितना दिन डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ बताएंगे सर। हाँ सर, और वो डॉक्टर साहब टेक्निकल चीज बताएंगे। बाकी अगर ये सारे नेगेटिव आ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आया फिर उसका बनाना पड़ेगा। लोगों से क्या अपील करेंगे, चूंकि ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पे लोगों में जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, कोरोना को लोग कहीं ना कहीं हल्के में ले रहे हैं, ऐसे में एज ए अंचलाधिकारी आप क्या लोगों को अपील करेंगे? अपील यही होगा कि जो सरकार का गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के, उसमें सोशल डिस्टेंस, मास्क वेयरिंग ये सब अनिवार्य है। हाँ सर, कंटिन्यू करें। इसमें वही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो गाइडलाइंस आया है हम लोग प्रचारित प्रसारित करेंगे, लोग उसका अनुपालन करें, क्योंकि हम लोग उनके हित के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके जिंदगी बचाने उनके जिंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं, उसका अनुपालन उन लोगों को करना सुनिश्चित करेंगे तो इस पर हम लोग जल्दी उबर पाएंगे। थैंक यू। अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि एक ही घर में सभी संक्रमित पाए गए हैं जी। तो मेडिकल की टीम है, प्रतिदिन उनका केयर कर रही है और उनको जो मेडिसिन देना है उसके रिकवरी के लिए उन पर लगातार ये काम कर रहे हैं। तो कंटेनमेंट जोन चूंकि घोषित किए हैं, आम नागरिकों को इसकी समस्या होती है, लेकिन जिन घरों को उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट के अंदर लाया है उनको कोई असुविधा नहीं हो, उनके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और लोकल जो हमारे कर्मी हैं स्थानीय, उनसे और खुद हमसे भी संपर्क करके, प्रतिदिन डॉक्टर की टीम जाती है, उनको अपना एक
क्या जरूरत है वो बता देंगे तो उनको हम लोग उपलब्ध करने का सैनिटाइज हो रहा है माइकिंग सैनिटाइज भी करा रहे हैं ताकि जो संक्रमण फैलने की संभावना उसको रोका जाए और आसपास के घरों को मोहल्लों को और पूरे पंचायत को हम प्रचार प्रसार के माध्यम से एक मतलब अपील कर रहे हैं कि जागरूक भी कर रहे हैं सतर्क रहे घरों से बाहर आवश्यक पड़ने पर ही बहुत ज्यादा आवश्यक हो सामान लेने की तभी बाहर निकले अन्यथा अपने बच्चों को खुद भी सब सुरक्षित रहें घरों में रहें ताकि हम एक बार फिर से जमालपुर को जो रास्ता हम लोगों ने देखा है हम लोगों ने भोगा है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। थैंक यू।